दूंगी कि पाप करने पर मजबूर कर दूंगी। वो पाप करेगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। मुझे अभी भी पता चला है कि मानवी ने अपने बाबा को इनवाइट करा। That means कि मानवी के बाबा और हमारे डैड आमने सामने होंगे। निशा, राहुल, मेरी आवाज पहचानो, तुम एक शेर हो। जंगली जानवर हो। सुना कुछ तुमने? इधर तो कोई नहीं है हमारे। बिल्कुल पैर मत हिला। शेर शिकार करता है, खून को सूंघो, प्यास जगाओ। इंसान का खून तुम्हारे सामने है, शिकार करो राहुल, चखो इसे, चखो उस खून को। राहुल, एम्बुलेंस आ गई, वो लोग ले जाएंगे इसे। चल, हमें कॉन्सर्ट के लिए देर हो रही है। चल बेटा। चल बेटा, एम्बुलेंस आ गई, ये लोग ले जाएंगे। काम हो गया। इंसान का खून चखने का पाप किया है उसने, एक मासूम इंसान का खून पिया है। अब कोई रुद्राक्ष उसे आज रात शेर बनने से नहीं रोक पाएगा। आज वो उस रूप में होगा जिसमें मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगी। आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। राहुल, 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 तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं था। सब ठीक तो है ना? एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? राहुल, राहुल, तुम ठीक तो हो ना? एक बाइक गाड़ी के आगे आ गई थी, पर घबराने की बात नहीं, दो लोग थे, दोनों ही ठीक है। थोड़ी बहुत चोटी लगी है और उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया। शुक्र है भगवान का। जब मैं वहां था तो वहां पर एक लड़का था, उसके हाथ में सिर्फ खून निकल रहा था। और बाबा, एक सेकंड राहुल। हाँ बाबा। ए मानवी, मानवी, ए मानवी, सुनाई दे रहा है तुमको? अरे हो क्या रहा है ये सब? इतना चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है सब। अरे तुम्हारा शो कब शुरू होगा ये बताओ। बाबा राहुल बस रेडी हो ही रहा है, आप फिक्र मत कीजिए, शुरू हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा? हाँ देखो, 20 मिनट लेट हो गया। अपना ऑडियंस को कोई इतना वेट करवाता है क्या? बैड बैड बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। बाबा इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में ऐसा होना एक आम बात है, आप फिक्र मत कीजिए, राहुल बस रेडी हो रहा है। बाबा राहुल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसी के साथ हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, कॉन्सर्ट अभी शुरू हो जाएगा। राहुल की तबीयत को क्या हुआ? अरे शो है अभी, उसका तबीयत खराब हो गया। हुआ क्या हमको बोलो, खुल के बोलो क्या हुआ? वो बाबा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा सा इंसान नर्वस हो जाता है ना, और बस कुछ नहीं। अब अपनी सीट पे रहिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। ठीक है, चल, ओके बाबा। अरे अरे सुनो सुनो, लो काट दिया, ये मानो भी ना। राहुल, बाबा बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं जाती हूँ उनके पास। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, ऑडियंस भी बहुत शोर मचा रही है। ठीक है? मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, लगता है कुछ ठीक नहीं है। राहुल कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज इसके बारे में सोच सोच के खुद को परेशान मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी ढाल हूं मैं, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर ये रुद्राक्ष भी तो है तुम्हारे पास। देखो मानवी, मैं जानता हूँ
मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जिनसे हम लड़ रहे हैं, जिनसे हम भिड़ रहे हैं, वो काफी शक्तिशाली हैं। ऊपर से आज 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 पूर्णमासी की रात है। तुम्हें याद है ना कि पिछली बार क्या हुआ था? ओफो राहुल, वो सब इसीलिए हुआ था क्योंकि उसके लिए हम तैयार नहीं थे, लेकिन अब हम पूरी तरह से तैयार। तुम मुझ पर भरोसा रखो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, कैन वी स्टार्ट मेकअप? तुम मेकअप करके रेडी हो जाओ, मैं बाबा के पास जाती हूँ, ठीक है? वो ही डिसिप्लिन नहीं है, समझ में नहीं आता ये कैसा शो करते हैं लोग। अच्छा शिल्पा, तुम इधर बैठो, हम राहुल से मिलके आता है। कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठिए। हम का शो से पहले उसे लेक्चर दे देंगे आप जाकर। शिल्पा, तुमको तो लगता है कि हम विलेन हैं, हमेशा हमको विलेन बनाता है। अरे हम उसको लेक्चर देने नहीं जा रहा है, हम उसको स्ट्रेंथ देने जा रहा है। अरे मनोवी बोला ना, ये राहुल थोड़ा सा नर्वसनेस उसको आ गया, पता नहीं क्या हुआ उसको, वो स्टेज फ्राइट बोलता है, समझा? हम ठीक करके आते हैं। अच्छा तो आप जाके उसे हिम्मत देंगे? हाँ, आपके खुद के परफॉर्मेंस से पहले आपको कितना डर लगता है ना, वो मैं सब जानती हूँ। वो सब संभाल लेगा वहाँ जाकर, आप यहीं बैठिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कितना मीन है तू, उन्होंने कहा एक मौका नहीं छोड़ता है तू। अरे परफॉर्मेंस से पहले अगर आर्टिस्ट को थोड़ा उसका आवाज में प्रॉब्लम हो ना, तो 5 मिनट प्राणायाम करेगा ना तो ठीक हो जाएगा। ये सब नुस्खा है, एक्सपीरियंस है हमारा। उसका बाप को भी पता नहीं, इडियट है उसका बाप, हम सिखाएगा अपने दामाद को। सुनिए तो, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। ये हम लोग यहाँ पर मेहमान बन गए हैं, तो आप ये घर जैसी बातें मत कीजिए ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो भी सिखाना है ना आपको, वो बाद में सिखा दीजिएगा। एक आर्टिस्ट दूसरा आर्टिस्ट का मदद करना चाहता है और तुमको इस इमोशन का कोई मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं। बैठो इधर, हम आता है। अरे सुनिए तो, पता नहीं हिमा, अब यहाँ पे कोई तमाशा मत बनने देना। एक्सक्यूज मी, कॉस्ट्यूम रेडी है? राहुल 15 मिनट में सेट पे आ जाएंगे, सब रेडी है ना? डोंट वरी मैम, सब सेट है। हम लाइट रिहर्सल कर चुके हैं, दिल्ली का बेस्ट ऑडिटोरियम है। स्पेशली ऊपर जो मैम सनरूफ लगा ना, इसमें से कमाल का लाइट इफेक्ट होता है। हम गाने के एक पॉइंट से सनरूफ को खोलेंगे और मूनलाइट डायरेक्टली मैजिकल लाइट की तरह राहुल सर के ऊपर आएगी। एंड मैम आज तो फुल मून है, सब कमाल लगेगा। नहीं, तुम परफॉर्मेंस के दौरान सनरूफ ओपन नहीं करोगे, राहुल को किसी मूनलाइट की जरूरत नहीं। बट मैम मैंने पूरा लाइट डिजाइन उसी के हिसाब से किया है। तुम्हारे पास 15 मिनट है, तुम्हें जो चेंज करना है करो, राहुल को किसी नेचुरल लाइट की जरूरत नहीं, सनरूफ ओपन नहीं होगा। मैम प्लीज देखो, ये मेरे पति का कॉन्सर्ट है, इसलिए मैं जो कह रही हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो, और अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो तुम खुद जाके राहुल से ऑर्डर ले लो। पर शो के लास्ट मिनट में जब वो तैयार हो रहा होगा, तुम जाके उससे टेक्निकल बातें करोगे तो मुझे नहीं लगता कि उसे अच्छा लगेगा। ओके मैम, सनरूफ नहीं खुलेगा, मैं लाइटिंग चेंज करता हूँ। राहुल है किधर? एक दो तीन, पता नहीं किधर, वो गार्ड भी नहीं बताया। खुला है, इसमें होगा शायद। तो विश्वास ही नहीं होता अपनी किस्मत पे कि तू इतनी खूबसूरत लड़की मेरी आंखों के सामने बैठी है। Are you saying you love me? Of course. ये भी कोई कहने की बात है? Of course I love you, Simran. I love you too. अभी थोड़ा देर पहले उधर कैंटीन में एक लड़की को यही लाइन बोल रहा था ना, यही लाइन एकदम से, हाँ सिमरन सिमरन बोल रहा था कि नहीं, अब इसको भी वही लाइन चिपका रहा है तुम। सेम टू सेम, कैसा लड़का है तुम, इतना बड़ा हो गया है, तुमको शर्म नहीं आता? अंकल मैं ही इसकी सिमरन हूँ, एक्चुअली वी लव ईच अदर। आपको कोई मिस्टेक हुआ होगा? मिस्टेक हमको? नो, नेवर। तुम सिमरन, ये राज, डी डी एल जे।
आपको कैसे पता? हमको कैसे पता? अभी 15 मिनट पहले इसको यही देखा ना, हम यही लाइन दूसरा लड़की को बोलते हुए, सेम टू सेम डायलॉग। कबीर, कबीर, ये क्या बोल रहा है? होल्ड ऑन बेबी, पूछ बड़ी। अंकल, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। एक्चुअली जो कैफेटेरिया में मैं नहीं था जो समोसे खा रहा था, वो कोई और होगा। आपको पता है होली के बाद आज हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, राइट? One second, baby, listen to me. He just lying. Actually, look at him. कितनी एज होगी उनकी? बुजुर्ग आदमी सठिया के कुछ भी देखते दिखता नहीं। hey! तू हमको बूढ़ा बोला, हमको दिखाई नहीं देता, हम अंधा है। तू कितना बेशर्म है? तुम लड़की के साथ फ्रॉड कर रहा है, हमको पागल बोल रहा है। अब पकड़ा गया तुम, एकदम पकड़ा गया। अगर तुम कैंटीन में नहीं था तो तुमको कैसे पता चला हम तुमको लड़की को समोसा खिलाते हुए दिखाए? अभी हम बताते हैं कि इस बुड्ढे में कितना दम है। अंकल, अरे अभी 20 मिनट में तो दो देखा हम। देखो 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 चरक चेहरा, देखो उसको हीरो जैसा। कम से कम 20 सिमरन होगा इसका। यू चीटर, लायर, और मारो अंकल इसे, और मारो। छोड़ देगा हम तुमको? अरे हम तो तुमको घसीटते हुए स्टेज के अंदर ले जाएगा और वहां जूता से मारेगा ताकि सारी लड़कियों को पता चले कि तुम कितना बड़ा फ्रॉड है। हा? ये तो बाबा के चिल्लाने की आवाज है। बाबा की कोच हो तुम? अरे वुमेन के साथ वायलेंस करता है ये। हाँ हाँ, कौन मान भी तुम आ गई? देखो ना क्या कर रहे हैं, तो बंगाली ब्रूस्टर की तरह मारे जा रहे हैं मुझे। गलती हो गई, होती है इंसान से गलती। अब छोटी मोटी गलती, तुमने मुझे गलती बोला? How dare you? एक और मारो, मारो। दो चार और मारना चाहिए तुम। कबीर, क्या है ये सब? बोलो 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 बोलो। वो तुम्हारा सिमरन तुमको थप्पड़ क्यों मारा? बोलो, मानवी को बोलो। मानवी जी, तुम्हारे बाबा जी है ना, इन्होंने सत्यानाश कर दिया। आज तक ऐसी कितनी सिमरन के सामने फ्लर्ट किया लेकिन कभी नहीं पकड़ा गया। पर इनको देख लो, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं पकड़ा गया हूँ। आपने तो मेरा काउंट ही खराब कर दिया है। लड़की लोग तुम्हारा लिए सारी काउंट है, एक नंबर है। वीमेन का कोई रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे पास है? उन लोगों के साथ तुम चीटिंग करता है। क्या चीटिंग अंकल, कम ऑन, सिंगल लड़का हूं मैं, क्या चीटिंग करूंगा? फ्लर्ट फ्लर्ट करता हूं, चलता है। आपको क्या लगता है वो लड़कियां मेरे साथ सीरियस होती हैं? नो, अरे वो भी मेरे साथ फ्लर्ट ही कर रही होती हैं, ऐसे चलता है। तो आप ना इतना सीरियसली मत लो, यू जस्ट चिल यार, कम ऑन, चिल 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 बोला तुम हमको है? अरे तुम्हारा जैसे लोगों के लिए आज हमारा कंट्री का ये हाल है, इतना करप्शन है इधर। करप्शन? हाँ करप्शन, हम लोगों का समय में ऐसा नहीं था। हम लोगों का समय में एक को एक। बाबा बाबा प्लीज शांत हो जाइए, उसने अपनी गलती मान ली है ना, वो सॉरी कह रहा है, वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा, है ना कबीर? या मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आई एम रियली सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, वो राहुल, राहुल के लिए हम इधर आया था, वो उसको थोड़ा परफॉर्मेंस एंजाइटी होगा ना, तो हम सोच रहा बात करके एकदम कूल कर देगा उसको। बाबा मैं थोड़ी देर पहले राहुल के साथ थी, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। आप चलिए यहाँ से। बट यहाँ से ये? बाबा आपको उसके शो की ओपनिंग मिस नहीं करनी ना, आप चलिए। बस बाबा तो बी केयरफुल। हाँ हाँ, ओके बाबा, ओके ओके, आप जाओ जाओ। कबीर, मैं अपने बाबा की तरफ से माफी मांगती हूँ। एक अच्छा बहाना मिल गया, मैंने एक स्टोरी मिल गई, मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा, बहुत हंसेंगे वो लोग। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स? यू मीन ये जो अभी गई? ये लड़कियां 2 महीने पड़ जाती हैं। रियली? आई मीन तुम्हारी जैसी हेडस्ट्रॉन्ग लड़कियां नहीं। एक्चुअली मुझे भी जब कोई अच्छी सीरियस लड़की मिल जाएगी जिससे मैं बहुत प्यार करूंगा, जो मुझसे बहुत प्यार करेगी, तो मुझे लगता है मैं ये सब करूंगा। नॉट एट ऑल, कभी उससे चीटिंग नहीं करूंगा। आई होप के साथ में राहुल का शो देखने वाला था, तो मुझे अकेला देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं अकेले देखने की, तुम हमारे साथ वीआईपी बॉक्स में आओ। हेलो हेलो हेलो, रियली? नो, आई मीन तुमने मेरी हालत देखी, तुम्हारे पापा भी वहाँ पे होंगे। नहीं बाबा, तुम अपना मुंह नहीं तोड़वाना मुझे प्लीज। मेरा मुंह टूट गया तो अपने सिमरन को कहाँ से ढूंढूंगा? इट्स ओके, एकदम मैड हाउस है।
इतना शोर सुनाई का देगा। सिक्योरिटी। जी सर। किस तरीके से काम करते हो तुम लोग? कोई भी ऐरा गहरा नथु खरा अंदर आ जाता है, इनके पास पास है या नहीं ये चेक किया तुमने? क्योंकि इनका हुलिया देखकर तो नहीं लगता इनके औकात है पास खरीदने का। सर ये मानवी जी के डैडी हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली इन्हें इस हाल में देख करके पहचान नहीं पाया। तुम जाओ यहाँ से, इन्हें मैं इनकी जगह दिखा देता हूँ। जी सर। बुरा मत मानना उपमन्यु, क्या है ना कि राहुल को आदत गरीबों की मदद करने की, हेल्प करने की, ऐसे ही राह चलते किसी भी अरे गहरे नथु खरे को पास बांट देता है। तो मुझे लगा तुम भी उन्हीं में से। ये अजीब से कपड़े पहन रखे ना तुमने, तो पहचाना नहीं। अरे भाई कुछ अच्छे कपड़े नहीं थे इस कॉन्सर्ट में आने के लिए, तो मुझे फोन कर देते, मैं अपने पुराने कपड़े भिजवा देता। सुबह काबू में रख और कपड़ों को तिजोरी में। अरे आप यहाँ पर है, मैं आपको कब से वहां ढूंढ रही थी ना। वाह क्या बात है, पूरी फैमिली आई, अच्छी बात है, आएंगे क्यों नहीं। मानता हूँ कितने सालों पुराना सपना पूरा हो गया था, तब से चाहता था कि एक अमीर खानदान का बड़े घर का लड़का अपनी लड़की के लिए फंसा ले, और वो फंसा लिया। और नतीजा आज जिस कॉन्सर्ट में पिछली रो के टिकट खरीदने के औकात नहीं है तुम्हारी, उस कॉन्सर्ट के VIP लाउंज में खड़े हो। वाह मानता हूँ खुद के जैसा सबको समझता है। आप शांत हुई है ना, मानवी की खातिर चुप हो जाइए ना, चलिए यहाँ से। हाँ मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, पर बात बढ़ेगी ना तो उंगलियां मानवी के ऊपर ही उठेंगी। चलिए यहाँ से। देखो कैसे सर खुल रहा है, ये नहीं सुधरेगा। चलिए पागलखाना खाली हो गया है। ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे इतना शोर में हम राहुल का आवाज कैसे सुनेगा? इनको चुप कराने का कोई तरीका नहीं है क्या? अरे आप बात बात पे शिकायत करना बंद कीजिए ना, आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए। इतने सारे लोग आपकी दामाद की आवाज सुनने के लिए इतने बेचैन है। हा? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आप मुझे तंग मत कीजिए ना प्लीज। मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई। राहुल को तो अब तक शेर में बदल जाना चाहिए था, फिर ये ठीक कैसे है? खून मेरे सामने चखा था इसने। हाय आम कबीर, आर यू सिमरन बाय एनी चांस? जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली सा, मैं एक रास्ता हूँ। तूने मुझे कहीं खो दिया है या मैं कहीं खुद लापता हूँ। आ ढूंढ ले तू फिर मुझे, कसमें भी दूँ तो क्या तुझे। आशिकी बाजी है ताश की, टूटते बनते विश्वास की। इस ऑडिटोरियम की खासियत है कि स्टेज पर चांद की रोशनी पड़ती है, उसी से तो राहुल भी बदलेगा, फिर क्यों नहीं हो रहा है वो? इतने सालों का ध्यान और उम्मीद ऐसे नहीं टूटने दूंगी। आपका पास। जय
जाओ, निकल जाओ। राहुल, राहुल मैं आज बहुत खुश हूँ। तुमने इतना अच्छा गाना गाया। ऑडियंस की आवाज सुनो, उनका शोर यहाँ तक आ रहा है। तो हैप्पी। राहुल बाबा, तुम्हें पता ना बाबा को ये गाना पसंद नहीं है, और लेकिन तुम्हारे गाने पे बाबा क्या कर रहे थे। राहुल कहाँ थे बाबा, देखे नहीं मुझे ऑडियंस में। और मेरे लिए इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कि बाबा को मेरा गाना अच्छा लगा। देखा, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ ना कि तुम मेरी बात माना करो, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते। अरे कब नहीं सुनी तुम्हारी बात मैंने। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम फटाफट अपनी दूसरी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, चलो चलो राहुल। Excuse me, मैम, कि मैं नेक्स्ट सॉन्ग के लिए सनरूफ हटवा दूं। मैम लाइटिंग बहुत फ्लैट जा रही है, सारी तैयारियां वेस्ट जाएंगी। मैंने तुम्हें मना किया है, तुम्हें एक बार बोल दिया है कि ये सनरूफ नहीं हटेगा, मतलब नहीं हटेगा, तुम्हें समझ में नहीं आता? सी आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम लोग बात को समझने की कोशिश करो। मैंने मना किया है तो मतलब नहीं हटेगा। तो ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। चांद की रोशनी से बचा रही है अपने पति को। अगले गाने के दौरान सनरूफ जरूर खुलेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आज रात पूरी दुनिया अपनी आंखों के सामने राहुल को खूंखार जानवर में बदलते हुए देखेगी।